नमस्कार। प्रकाशक के पटल पर आज फिर काव्य संध्या के साथ हम उपस्थित हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही हमारे साथ जो मेहमान आज के इस काव्य संध्या में हैं, विशिष्ट मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। पहले बता दूं कि आज की ये शाम हमेशा की तरह नूतन सवेरा डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी, अद्यतन कला संगम, पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क और वाइटिंग एंटरटेनमेंट के सहयोग से सजाई जा रही है। और ये हमेशा हमारे सहयोगी रहे हैं, साहित्य की गतिविधियों में हमें आगे बढ़ने में हमेशा मदद करते रहे हैं, क्योंकि प्रकाशक एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर विभिन्न भाषाओं के साहित्य को, जो समकालीन साहित्य है, उसको संग्रहित किया जाता है। तो हमारी ये सभी जो सह संस्थाएं हैं वो हमें हमेशा मदद करती रहती हैं। और अब आज की इस शाम में जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं मंच पर डॉक्टर कीर्ति काले जी, स्वनाम धन्य कीर्ति काले जी, जिनकी यश पताका विभिन्न कार्यक्रमों के में उनकी पताका जो है फहराती रही है। और अगर फिर भी मैं एक छोटा सा परिचय उनका दे रही हूँ, हालांकि वो सूरज को दिया दिखाने के समान है। लगभग 1988 से निरंतर आप काव्य पाठ आपने शुरू किया हुआ है और काव्य के सभी रसों में आपका लेखन है। मंच पर बहुत ही एक सफल कवयित्री और बहुत ही प्रतिष्ठित कवयित्री के रूप में आपका नाम जो है लिया जाता है। और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में अनेक बार काव्य पाठ कर चुकी हैं। कविता के साथ साथ जो एक सबसे अच्छी बात है वो है कि आप व्यंग्यकार भी हैं। और हाल ही में मैं कीर्ति काले जी से जुड़ी हूँ तो मैं जैसे जैसे उनके पेज पर पढ़ती जाती हूँ, उनके आजकल आज एक सीरीज उन्होंने शुरू की है जिसमें मैं बहुत रस लेकर पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जिस दिन वो पोस्ट करें उसी दिन मैं पढ़ लूँ। अच्छा लगता है, मजा आता है। संसद के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का संचालन एवं काव्य पाठ किया है उन्होंने। भारत के लगभग सभी शहरों के कवि सम्मेलनों में आपकी सहभागिता रही है और मंच संचालन का बहुत ही अच्छा इनका अनुभव रहा है। इसके अलावा विदेशों में काव्य पाठ एवं मंच संचालन का भी अनुभव है। मिस्र, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर अनेक बार कीर्ति काले जी का काव्य पाठ हो चुका है। 35 वर्षों से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में काव्य पाठ करती आई हैं और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में हिंदी कविता का प्रतिनिधित्व किया है। भारत की 22 भाषाओं में आपकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। आकाशवाणी के दिल्ली एवं ग्वालियर केंद्र द्वारा अनेक गीतों को संगीतबद्ध कर प्रस्तुत किया गया है और 1995 में पहली बार दूरदर्शन के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ किया था। उसके बाद से तो ये सिलसिला थमा ही नहीं और हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनका स्वर हमेशा ऐसे ही मुखरित होता रहे। अनेक टीवी चैनलों पर निरंतर आपने काव्य पाठ किया है जिसमें सोनी, वाह वाह क्या बात है प्रोग्राम बहुत ही सफल प्रोग्राम है, NDTV का अर्ज किया है वो भी बहुत सफल प्रोग्राम है, आज तक, ZTV, महुआ टीवी, सुदर्शन टीवी जैसे अनेक टेलीविजन चैनल्स पर आपकी कविताओं को सुनने का अवसर मिलता रहा है। प्रकाशन के क्षेत्र में भी आपकी बहुत सशक्त उपस्थिति रही है। उप संपादक हैं आप कवि सम्मेलन समाचार पत्रिका की, मासिक पत्रिका है। ये पत्रिकाएं हैं हिरनीला मन, बातों बातों में, कवि सम्मेलन के जोक्स, स्वर एहसासों के, और स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति गंध, जा रहा हूँ दूर इतना, इसका भी आपने संपादन किया है। पुरस्कार और सम्मान महेशी महादेवी वर्मा सम्मान से सुशोभित हैं। युवा कवित्री सम्मान श्री सत्यपाल चुग सम्मान और इटावा निधि द्वारा कवि नीरज सम्मान, श्री भगवत शरण उपाध्याय सम्मान और डॉक्टर विष्णु सक्सेना गीत सम्मान जैसे अनेक ऐसे सम्मान हैं
जिनसे आपको सुशोभित किया गया है। और अध्यक्ष हैं आप प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की, जो कि नई दिल्ली में है, और उपाध्यक्ष हैं दिल्ली कविता मंडल की। तो आपका डॉक्टर कीर्ति काले जी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस काव्य संध्या में। बहुत बहुत धन्यवाद राजी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आज की शाम बेहद खास है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज मंच पर पटल पर जो हमारे साथ दूसरी मेहमान हैं, प्रमिला भारती जी, जिन्होंने एक लंबे अरसे से उनका साहित्य में, साहित्य सृजन में उनकी उपस्थिति रही है, और अगर उनके प्रकाशित उनके ग्रंथों की बात करें तो नदी संवेदना की एक गीत संग्रह प्रकाशित हो चुका है, नीले पंखों वाली चिड़िया बाल गीत संग्रह है, प्रमिला सतसई ये दोहा संग्रह है, गूंजते स्वर सह संकलन है, कविता हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर ये भी एक सह संकलन है, मयूर पंख सह संकलन, 20वीं सदी के रचनाकार, गीत और गीत संयोग साहित्य सार्थक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय की पत्रिका दिल्ली और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की पत्रिका अतएव के अलावा सेंट्रल बैंक की पत्रिका सेंट्रल लाइट और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पत्रिका बोलनी कठपुतली में गीत बाल गीत एवं गीत नाटिका का प्रकाशन है। यश भारती सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर गोपाल दास नीरज द्वारा संपादित पुस्तक आज की लोकप्रिय कवित्रियों में भी आपकी कविताएं हैं। शीघ्र प्रकाश ग्रंथों की बात करें तो दो गीत संग्रह आपके प्रकाशित होने वाले हैं, गजल संग्रह है, एक कहानी संग्रह जल्द ही आने वाला है, लोक भाषा के गीत ये भी जल्द ही प्राप्त होगा, शिशु गीत और गीत नाट्य की पुस्तकें भी अभी इसी क्रम में हैं, मुक्तक दोहा छंद संग्रह और संस्मरण एवं मुक्त छंद संग्रह भी शीघ्र प्रकाश संग है। पुरस्कारों की बात करें तो गीतकार दिवाकर स्मृति सम्मान लखनऊ अर्चना परिषद द्वारा, गंगा सम्मान जिला प्रशासन लखनऊ द्वारा साहित्यिक सेवाओं के लिए सम्मानित हुई है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा काव्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित हुई है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लखनऊ द्वारा सम्मानित है, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश एवं अभिव्यक्ति संस्था द्वारा केशव चंद्र मिश्र वाग्देवी पुरस्कार से सम्मानित है, यूके हिंदी समिति द्वारा आमंत्रित चेतना साहित्य संस्था द्वारा सम्मानित, और हाल ही में प्रमिला जी को साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत बधाई प्रमिला जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस काव्य गोष्ठी। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज मैं एक ऐसे काव्य संध्या में का हिस्सा हूँ जिसमें बैठी हूँ, मतलब मैं सुनूंगी कीर्ति काले जी को और साथ ही साथ प्रमिला भारती जी को। तो मैं बिना वक्त गवाए सीधे सीधे आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी से अनुरोध करूंगी कि वो कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजी जी, और बहुत दिनों से चूंकि मन बड़ा व्यथित था, इतने सारे अपने लोग इस दुनिया से विदा हो गए, तो कविता सुनाने का मन, जैसे मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपका आग्रह इतना था और प्रमिला जी का साथ रहेगा ये सुनकर मैंने अपना मन बनाया, और वास्तव में मन तो कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, और हम रचनाकारों के लिए तो मन लगाने का सबसे अच्छा साधन है अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं। तो आपने उस दुखद स्थिति से मुझे बाहर निकाला, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आशीष तुम्हें। जी बहुत धन्यवाद दीदी। और बहुत सालों से श्रीमती प्रमिला भारती जी को मैं सुनती रही हूँ, उनके गीत, उनके गजलें, उनके दोहे वास्तव में बहुत एक दिशा देते हैं। तो नए लोग जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, या और भी जो वरिष्ठ लोग भी अगर यहाँ उपस्थित हों, उन सबको एक प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है प्रमिला भारती के रूप में। मैं माँ शारदे की वंदना से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि वही एक
शक्ति है जो हमें लिखने की प्रेरणा देती है। सुनिए, स्वागत। शारदे माँ करूं तेरी आराधना, शारदे माँ करूं तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो, ज्ञान की ज्योति से हो प्रकाशित धरा, हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो, शारदे माँ करूं। तेरे हाथों में है शब्द की संपदा, और होठों पे कविता का है सार मां, रूप तेरा है सत्यम शिवम सुंदरम, दिव्य आलोक सरगम का आधार मां, हंस की वाहिनी तू मां तो सरदायनी, हंस की वाहिनी मातु सरदायनी, नव स्वरों से सुसज्जित ये संसार हो, शारदे माँ करूं तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो, ज्ञान की ज्योति से हो प्रकाशित धरा, हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो, शारदे माँ करूं। है निवेदन यही हे मधुर हासिनी, है निवेदन यही हे मधुर हासिनी, हर तरफ में साथ में हर घड़ी तेरा आशीष हो, मेरे मन में न आए कभी भी अहम, संयमित आचरण हो विनत शीश हो, सत्य की राह पर ही चलूं मैं सदा, सत्य की राह पर ही चलूं मैं सदा, लोभ की मोह की चाहे दीवार हो, शारदे माँ करूं तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो, ज्ञान की ज्योति से हो प्रकाशित धरा, हर तरफ तेरी वीणा की झंकार हो, शारदे बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो आपका सानिध्य है, मैंने विशेष रूप से इसीलिए ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऊर्जा मिलती है अपने वरिष्ठ लोगों के साथ होने से। कुछ कविताएं मैं सुनाऊंगी, क्योंकि एक घंटे का समय हम दोनों के लिए है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। पहले कुछ मुक्तक सुनाती हूँ। कि तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, और कभी बहुत धन्यवाद। और कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है, और तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं निखर जाऊं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं,
फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं। और एक मुक्तक और सुनिए कि जुबां पर है सभी के आज कल अंगार की बातें, जुबां पर है सभी के आज कल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें, और यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, चलो कुछ देर बैठें और कर लें प्यार की बातें। क्या बात, तो कुछ प्यार की बात, कुछ अपनत्व की बात, कुछ सामाजिक सरोकारों की बात करने के लिए आज हम इस प्रकाशक के मंच पर प्रकाशित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दमयंती शर्मा जी हमारे बीच में हैं, अलका शर्मा जी हैं, निरंजन भरतवाल जी हैं, पूनम जी हैं, सबका नाम मुझे सामने दिखाई दे रहा है, पूनम पाठक जी हैं, पूनम पाठक जी हैं। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि अंधकार घन घोर घिरा है, कल्याणी झा जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं, आप सबका स्वागत है। कि अंधकार घन घोर घिरा है सहमी सभी दिशाएं, अंधकार घन घोर घिरा है सहमी सभी दिशाएं, अनहोनी होने की बढ़ती जाती आशंकाएं, क्यों निराश होकर बैठे हम क्यों करके घबराएं, संकल्पित आशा का आओ मिलकर दिया जलाएं, संकल्पित आशा का आओ मिलकर दिया जलाएं, सूरज ने रथ के घोड़ों की छोड़ी है वलगाएं, सूरज ने रथ के घोड़ों की छोड़ी है वलगाएं, साए साए कर चलती आवारा उद्दंड हवाएं, तितली के पर नोच रही है भौरों की सेनाएं, अब आवाज लगाए तो किसको आवाज लगाए, जिसे देख लो वही देखने लगता दाएं बाएं, संकल्पित आशा का आओ मिलकर दिया जलाएं, अंधकार घन घोर घिरा है सहमी सभी दिशाएं, अनहोनी होने की बढ़ती जाती आशंकाएं, क्यों निराश होकर बैठे हम क्यों करके घबराएं, संकल्पित आशा का आओ मिलकर दिया जलाएं। विनय कुमार सक्सेना जी भी हमारे साथ में है, स्वागत है विनय जी आपका। और समय बहुत बिगड़ैल हुआ है आवारा मौसम है, समय बहुत बिगड़ैल हुआ है आवारा मौसम है, पर हम भी हम हैं जूझेंगे जब तक दम में दम है, समय बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत बिगड़ैल हुआ है आवारा मौसम है, पर हम भी हम हैं जूझेंगे जब तक दम में दम है, कदम मिलाकर चलना होगा मंजिल दूर नहीं है, अगर कहीं है धरती पर तो केवल स्वर्ग यही है, है विश्वास अटल लांघेंगे हम सारी बाधाएं, संकल्पित आशा का आओ मिलकर दिया जलाएं, अंधकार घन घोर घिरा है सहमी सभी दिशाएं, और कठिनाई से घबरा करके हार नहीं मानेंगे, कठिनाई से घबरा करके हार नहीं मानेंगे, नई चुनौती होगी तो हम रार नहीं ठानेंगे, प्रेम दया उत्साह लिए फिर नया सवेरा होगा, धुल जाएगी कलुष कालिमा दूर अंधेरा होगा,
सत्यम शिवम सुंदरम की फिर धवल ध्वजा फहराए, संकल्पित आशा का आओ फिर से दिया जलाए। अंधकार घन घोर घिरा है सहमी सभी दिशाएं, अनहोनी होने की बढ़ती जाती आशा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आग्रह करती हूँ दीदी से कि वो कुछ सुना दें, इस तरह हम क्रमवार सुनाते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जी, तो मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी कुछ रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। इस पटल को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, कीर्ति को बहुत आशीष। मैं सबसे पहले उनको कुंवर बेचैन जी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जी, तो एक गीत मैंने उनके लिए देखा। स्वागत है। हर पल याद तुम्हारी आए, हर पल याद तुम्हारी आए, वीणा पाणी के मंदिर में, वीणा पाणी के मंदिर में तुमने नखत सजाए, हर पल याद तुम्हारी आए, हर पल याद तुम्हारी आए। सौम्य सरल वह रूप तुम्हारा मन में समा गया है। इसके पहले मैं दो शब्द बोलना चाहूंगी। एक बार कहीं प्रोग्राम था, वो भी गए थे और मैं भी गई थी, और उसके पहले सब लोग चाय पी रहे थे खड़े होके, और उनको घेर के बहुत से लोग खड़े थे। एकाएक वो सबके बीच से हमारे पास आए और हाथ जोड़ के खड़े हुए और कहने लगे, आपका कुंवर। मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना महान साहित्यकार है वो, सारी दुनिया जिसको जानती है, मुझको तो कोई भी नहीं जानता, पुराने जमाने की हो गई है ना, तब इतना सब था ही नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उनको हाथ जोड़ा, हमने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुंवर जी। और एक घटना और सुनाती हूँ कि मैंने कहा इतने बिजी रहते हैं, इनका इतना प्रोग्राम होता है और इनसे कहें कि ना कहें, तो एक गजल संग्रह तैयार हुआ था। तो मैंने इनसे एक बार पूछा कि क्या आप हमारे गजल संग्रह में भूमिका लिख देंगे। अरे मैं, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने इतनी सुंदर उसकी भूमिका लिखी है कि वो भूमिका पढ़ के मेरे अंदर उत्साह आ जाता है। तो लेकिन मुझे इतना अफसोस है कि ये कोरोना के कारण वह गजल संग्रह सहरा में घनी छाँव नहीं आ पाया और मैं इनके हाथ में नहीं थमा पाई। अब सुने गीत का ये वाला बंद, उनके सरल स्वभाव का। हर पल याद तुम्हारी आए, हर पल याद तुम्हारी आए, वीणा पाणी के मंदिर में तुमने नखत सजाए, हर पल याद तुम्हारी आए, हर पल याद तुम्हारी आए। सौम्य सरद वह रूप तुम्हारा मन में समा गया है, सौम्य सरल वह रूप तुम्हारा मन में समा गया है, स्नेह सुगंधित दोना सुधी का कोई थमा गया है। बहुत दोना समा गया, स्नेह सुगंधित दोना सुधी का कोई थमा गया है, प्रीत पगे में
पावन पल छिनी प्रीत पगे वे, पावन पल छिन हम है हृदय लगाए, हर पल याद तुम्हारी आए। रामायण की चौपाई सा जीवन वृत्त तुम्हारा, लगता था जो मरु में बहती शीतल जल की धारा। तो घोर निशा में, घोर निशा में तप कर तुमने, घोर निशा में तप कर तुमने कितने सूर्य उगाए, हर पल याद तुम्हारी। उनके संस्मरण आते थे ना, तो बड़े कष्ट में वो रहे हैं, और उसका खजाना उनके अंदर था जिसकी वजह से इतना ऊंचा उठे। घो प्री प्रीत पगे वे, पावन पल छिन हम हैं हृदय लगाए, हर पल याद तुम्हारी आए। जग में कौन किसी की सुनता, तुमने है झुटलाया। जग में कौन किसी की सुनता, तुमने है झुटलाया। अपने पन से आकर तुमने सबको है अपनाया। दूर रहे अब, दूर रहे अब कैसे तुमसे, दूर रहे अब कैसे तुमसे, कौन हमें बतलाए, हर पल याद तुम्हारी आए। हर पल अंतिम सुने, निर्मल मन के मौन तपस्वी तुमको नमन हमारा। निर्मल मन के मौन तपस्वी तुमको नमन हमारा। अजर अमर तुम स्वीकारे मन, कैसे गमन तुम्हारा। अजर अमर अजर अमर तुम स्वीकारे मन, कैसे गमन तुम्हारा। कुंवर तुम्हारे गीत गजल है, कुंवर तुम्हारे गीत गजल है, सकल विश्व में छाए, वाह 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 वाह, याद तुम्हारी आए, हर पल याद तुम्हारी आए। बहुत खूब, बहुत। अब मैं एक दोहा सुनाना। पटल पर मैं बीच में टोकने की माफी चाहती हूँ। पटल पर हमारे साथ आदरणीय ममता किरण जी जुड़ गई हैं, सेवाराम रत्नानी जी जुड़ गए हैं, मुक्ता चटर्जी जी जुड़ गई हैं। ममता किरण जी बहुत बहुत स्वागत, सेवाराम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, मुक्ता चटर्जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सुधा जुगरान जी भी जुड़ी है हमारे साथ देहरादून से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी तो जानती हैं, और भी जो यहाँ पर स्थितिगण हैं वे बहुत लोगों को पता होगा, और बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे कि आज पटल पर जो हमारे साथ आदरणीय प्रमिला भारती जी 80 वर्ष की हो गई, और थोड़ा आवाज में थोड़ा कंपन हो रहा है, लेकिन आपकी रचना का जो एक स्वर है, जो लौ है, वो वैसे ही प्रकाशित है, वैसे ही वो है। बहुत आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आप अगली रचना सुनाने का अनुरोध कर रही हूँ। मैं सबसे पहले ममता को बहुत बहुत आशीष देना चाहती हूँ।
कि ममता ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि मैं इस तरह के सारे प्रोग्राम कर सकती हूँ। इतनी हिम्मत भरी है मेरे साथ, एकदम ऐसे खड़ी रही मेरी छोटी बहन की तरह। और वाजपेयी जी और ममता जी दोनों का को मैं प्रणाम करती हूँ। अब मैं एक छंद सुनाती हूँ। सभी विधा में लिखा है, कोरोना की वजह पद भी लिख लिए हैं, विनय के पद बहुत सारे। तो छंद सुनिए। सत्कर्मों से दैव ऋण को उतारना है, ऋषियों का ऋण निज त्याग से उतारेंगे। सत्कर्म से दैव ऋण को, हमारे पर बहुत सारे ऋण हैं, ऋषियों का है, माता पिता का है, मातृभूमि का है, इसमें देखिए सब है। सत्कर्मों से दैव ऋण को उतारना है, ऋषियों का ऋण निज त्याग से उतारेंगे। माता पिता ने है पाल पोस के बड़ा जो किया, माता पिता ने है पाल पोस के बड़ा जो किया, उनका भी ऋण संस्कार से उतारेंगे, उनका भी ऋण संस्कार से उतारेंगे। जगत समाज का जो ऋण है उसे भी हम, जगत समाज का जो ऋण है उसे भी हम अपने सुकर्म नेक चाल से उतारेंगे, अपने सुकर्म नेक चाल से उतारेंगे। सबसे बड़ा जो ऋण मातृभूमि का है शेष, सबसे बड़ा जो ऋण मातृभूमि का है शेष। माँ की रक्षा है तू, माँ की रक्षा है तू सर उतार कर उतारेंगे। सबसे बड़ा जो ऋण मातृभूमि का है शेष, माँ की रक्षा है तू सर उतार कर उतारेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। एक छंद और सुनिए। राजू जी गीत सुनाए या छंद या दोहा? प्रमिला जी अगर आप गए तो अब हम डॉक्टर कीर्ति काले जी से सुन ले, फिर आपके पास फिर लौट आएंगे। आप अभी एक छंद जो सुना रही है वो सुना दें। आप एक छंद और सुना रही है तो सुना दें, वो सुना दें। जी सुना दीजिए। छंद गीत दीप है सजाए आरती में अम्ब, छंद गीत दीप है सजाए आरती में अम्ब, विविध रसों के अनुभव भर दीजिए। छंद गीत दीप है सजाए आरती में अम्ब, विविध रसों के अनुभव भर दीजिए। करुणा का भाव प्राणी मात्र के लिए हो सदा, करुणा का भाव प्राणी मात्र के लिए हो सदा, कविता कला में वो प्रभाव भर दीजिए। खंड खंड हो रही है अंग में शिराएं सभी, एक दूसरे से वो लगाव भर दीजिए। खंड खंड हो रही है अंग में शिराएं सभी, एक दूसरे से वो लगाव भर दीजिए। टूट दूर कर दीन दुखियों की मात दीनता को, दूर कर दीन दुखियों की मात दीनता को, भारती के लेखनी के घाव भर दीजिए, भारती की लेखनी के घाव भर दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे छंद सुनाए आपने। देखिए कितने कितने तरह के ऋण होते हैं हमारे ऊपर, उन सबको ऋण, सभी ऋणों को उतारने का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होता है, हमारे तो है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आप जैसे कि बताया गया है कि आप 80 साल की हो गई हैं, आप तो 100 साल की होंगी। बिल्कुल पूरी तरह से आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हम लोग सुनते रहेंगे। तुम लोग गीत गाते रहोगे ना तो हम 100 साल के हो जाएंगे। तुम अगर बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगी, सुनने का मन बिल्कुल होंगी। अभी तो अभी 100 से बड़ी भी होंगी आप। वैसे भी कविता की आयु तो बहुत लंबी होती है, कविता तो कभी समाप्त नहीं होती। ये गीत सुनिए। देखिए दीदी किस तरह का वातावरण आजकल है, और हम लोग ये बहुत अच्छा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं, अन्यथा सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। ये गीत मैंने बहुत पहले लिखा था लेकिन अब ये बहुत अधिक चरितार्थ हो रहा है और अधिक याद आता है मुझे, वो सुनाती हूँ। प्रासंगिक हो गया है, बिल्कुल प्रासंगिक हो गया है।
स्वागत कि अब महज अनुगूंज बन कर रह गए हैं, अब महज अनुगूंज बन कर रह गए हैं, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे, अब महज अनुगूंज बन कर रह गए हैं। चेहरे पर मास्क लगा दिया गया है कि बोलो मत एक दूसरे से, कि अब महज अनुगूंज बन कर रह गए हैं, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे, और वक्त ने ही जिंदगी का व्याकरण ऐसा रचा है, वक्त ने ही जिंदगी का व्याकरण ऐसा रचा है, खो गए भावार्थ सारे, सिर्फ सन्नाटा बचा है, और लाल पीले आंकड़ों की जगमगाती भीड़ में हम, लाल पीले आंकड़ों की जगमगाती भीड़ में हम, वो सबक भी भूल बैठे जो जुबानी याद थे, अब महज अनुगूंज बन कर रह गए हैं। बहुत धन्यवाद। जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे, और एक अंधी दौड़ इतनी दूर तक हम दौड़ आए, सारे जंगल काट दिए, नदियों का दोहन कर लिया, प्राकृतिक संपदा का पूरी तरह से भरपूर शोषण किया है मानव ने, कि एक अंधी दौड़ इतनी दूर तक हम दौड़ आए, ताल पोखर झील नदियां खेत पीछे छोड़ आए, और भागते दिन हाँफती शामें बिखरती रात पाकर, भागते दिन हाँफती शामें बिखरती रात पाकर, खो दिए वो गांव जिनमें कह कहे आबाद थे, क्या बात है। बहुत धन्यवाद। एक अंधी दौड़ इतनी दूर तक हम दौड़ आए, ताल पोखर झील नदियां खेत पीछे छोड़ आए, भागते दिन हाँफती शामें बिखरती रात पाकर, भागते दिन हाँफती शामें बिखरती रात पाकर, खो दिए वो गांव जिनमें कह कहे आबाद थे, क्या बात, अनुगूंज बन कर रह गए हैं, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे, बहुत सुंदर। और फागुनों के सावनों के कौन समझेगा इशारे, कि फागुनों के सावनों के कौन समझेगा इशारे, अब घरों में कैद होकर रह गए त्योहार सारे। बहुत से लोगों को तो इन महीनों के नाम भी नहीं पता, इन मौसमों के नाम ही नहीं पता, कि फागुनों के सावनों के कौन समझेगा इशारे, अब घरों में कैद होकर रह गए त्योहार सारे, जिंदगी के बोझ से दम तोड़ते मासूम सपने, जिंदगी के बोझ से दम तोड़ते मासूम सपने, चांद तारों तक पहुंचने के लिए आजाद थे, अब अनुगूंज बन कर रह गए हैं, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात कहना चाहेंगे जी, कि ये काम अब हम लोग के ऊपर ये भार आ गया है कि हम संस्कारित करें लोगों को। इसीलिए तो प्रकाशक के पटल से, राजी जी के माध्यम से हम लोग थोड़ा अपने कविताओं के साथ ही संस्कारित करें, क्योंकि वैसे तो किसी को सिखाया जाए नहीं, क्योंकि स्वयं
आप लोगों का स्वयं आप दोनों का ही व्यक्तित्व इतना प्रकाशित है कि आपके मतलब जो मंच है आप वो आपके आने से धन्य हो रहा है। आप लोगों के को तो किसी मंच की आवश्यकता ही नहीं है, आप कहां से भी उठकर बोलेंगी। एक तो रचनाकार हैं और इतनी सिद्ध साधक रचनाकार हैं आप दोनों ही कि उसके लिए किसी मंच का तो है ही नहीं, बल्कि मंच आज धन्य है आज आप दोनों को पाकर अपने साथ। अरे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम लोग, मैं अपने घर में बैठी हूँ और प्रमिला जी अपने घर में बैठी हैं, राजी जी अपने घर में बैठी हैं, लेकिन फिर भी एक इतना चमत्कारिक माध्यम है कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, कविताएं इतने सारे लोग कविताएं सुन रहे हैं। बहुत ये क्रांति जो हुई सोशल मीडिया की और कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी की कल पुण्यतिथि थी, मैं उन्हें नमन करती हूँ। बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने हमारे भारत में लाई, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन हम घर में बैठे हुए भी मन तो हमारा बाहर ही घूमता रहता है। तो मैं उसी मन का एक गीत सुनाती हूँ कि क्या मन कर रहा है आजकल जब हम लोग घर में बैठे हैं। सुनिए कि चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, बैठे कुछ देर उसी झील के किनारे, बैठे कुछ देर उसी झील के किनारे, लहरों पर लिख डाले प्रेम गीत सारे, बैठे कुछ देर उसी झील के किनारे, लहरों पर लिख डाले प्रेम गीत सारे, जलते संदर्भों पर चांदनी मले, चलो क्या हम वहीं चले, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत कि जलते संदर्भों पर चांदनी मले, चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, भीतर की हलचल में स्वयं को टटोल, भीतर की हलचल में स्वयं को टटोल, संवेदन के सारे दरवाजे खोल, भीतर की हलचल में स्वयं को टटोल, संवेदन के सारे दरवाजे खोल, पल भर को पिंजरे से बाहर निकले, चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, चमकीले चेहरों की बस्ती से दूर, चमकीले चेहरों की बस्ती से दूर, अपने को जीले हम जीले भरपूर, चमकीले चेहरों की बस्ती से दूर, अपने को जीले हम जीले भरपूर, बादल को बाहों में कसकर भर ले, चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, चलो हम वहीं चले, वाह वाह, चलो क्या बात, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तुम्हारे गीत सुनते हैं तो लगता है सुनते ही रहे। हाँ, किसी स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं, सच में कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह की बातें जो कि जिंदगी के इतने करीब होते हुए भी हमसे कितनी दूर हो गई हैं, आप वहां तक पहुंच जाती हैं और इतने हौले से छूती हैं कि सच में मैं तो शायद आप पहली बार आपको इस तरह सुन पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच में हमारे साथ कुलिश जोशी जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। रूपम झा जी भी आ गई हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर ब्रजेश शर्मा है, डॉक्टर प्रसून है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब प्रमिला जी से अनुरोध करें, कीर्ति जी जी जैसा आप चाहें, प्रमिला जी के गीत गजलें और छंद सुनते हैं, बहुत आनंद आता है इनको सुनकर। तो प्रीति से बहुत अच्छा लग रहा है,
टाइम खत्म हो जाएगा क्या? हम नहीं सुन रहे नहीं, टाइम की आप लोग चिंता ना करें, टाइम को हम पकड़ के बैठे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल समय की, आप लोगों का समय अमूल्य है, हमारे पास तो समय ही समय है। कीर्ति जी आप हैं और एक मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। देखिए इन दिनों में सबसे बड़ी जहाँ दवाई काम नहीं आती है, दवा काम नहीं आती है, वहाँ दुआ काम आती है। और मेरा तो विश्वास बड़ा प्रबल है, ईश्वर जो करता है, जो सबसे अच्छा होता है वही करता है ईश्वर। हम समझ नहीं पाते उन चीजों को। मैं भगवान की आराधना करते हुए एक गीत सुनाती हूँ। उनका रूप कैसा है, हमारे छैल छबीले नटनागर गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण जी का रूप कैसा है, अरे उसको तो कहा ही नहीं जा सकता शब्दों में। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैंने उन्हीं को ध्यान रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए जो शब्द मेरे पास आए उनको मैंने एक गीत में पिरोया है, आपके सामने रखती हूँ सुनिएगा। ये गीत मैंने जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में बैठकर लिखा। इतनी अद्भुत प्रतिमा है और इतना अद्भुत वहां का अलौकिक वातावरण है, कभी अगर आपको संयोग बने तो आप अवश्य जाइए जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर, एक अलौकिक अनुभूति होती है वहां जाकर। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, बालों से चुरा के रंग हुए काले मेघ। चमक से तेरी चांद तारे चमके, चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जमके। चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जमके। इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और कैसा मोहक स्वरूप है हमारे बांके बिहारी जी का, कि कामदेव तेरी छवि देख के लजाए, कामदेव तेरी छवि देख के लजाए, छलिए तू जाने कैसी मोहिनी चलाए। विवश हो अप्सराए शरण में आए, विवश हो अप्सराए शरण में आए, परस को पाने तेरा बलि बलि जाए। विवश हो अप्सराए शरण में आए, परस को पाने तेरा बलि बलि जाए। मेरे बैरागी मन पर भी, मेरे बैरागी मन पर भी, धीरे धीरे कर लिया तूने अधिकार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, सबसे बड़ा आनंद है, परमानंद है, बस उसके प्रेम का सुरूर चढ़ना चाहिए। कि जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, पास आ गया है सब जो था दूर दूर। पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, तेरा नाम घोलू हवाओं के कान में। पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में,
तेरा नाम घोलू हवाओं के कान में, लगता है मेरे आंचल में, लगता है मेरे आंचल में, सिमटा है सृष्टि का समूचा विस्तार, लगता है मेरे आंचल में, सिमटा है सृष्टि का समूचा विस्तार, तार तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार, रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, और बाट जो हो तेरी पथराए नैन, बाट जो हो तेरी पथराए नैन, जन्म जन्म से है मन बेचैन, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, गिरधर नागर सुन ले पुकार, तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार, रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर गीत है। जैसे इस गीत के बाद कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा है कीर्ति जी, जैसे गुंगे का गुड़ आपने चखा दिया हो। बाके बिहारी को देवता भी तो है हमारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप प्रमिला जी या कीर्ति जी, मैं किससे अनुरोध करूं, क्योंकि आप प्रमिला जी से एक सुन लेते हैं, उसके बाद मैं एक सुना दूं। अच्छा, प्रमिला जी आप सुनाइए। इस बीच में हमारे साथ डॉक्टर अमिता दुबे जी भी जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है अमिता जी। और कल्याणी झा जी हैं, सुधा आदेश जी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज पृथ्वीराज, आपका भी स्वागत है। श्यामधर चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अब प्रमिला जी से अनुरोध है, एक दोहा सुने। अशुभानु के चल पड़े निवड़ निशा को जी, अश्वभानु के चल पड़े निवड़ निशा को जीत, कोरोना दुष्काल भी शीघ्र जाएगा भी, कोरोना दुष्काल भी शीघ्र जाएगा भी। एक दोहा और देखें। क्रंदने हाहाकार से दुखित हुआ संसार, क्रंदन हाहाकार से दुखित हुआ संसार, यत्न करो बहने लगे फिर से सुखद लगे फिर से सुखद बहुत रही हूँ। एक दो पंक्तियां और सुना लूं। मिट्टी में रहे और मिले, मिट्टी में रहे और मिले, फर्श हो गए, आत्मा का ऐसा तेज था उनकी उठान में, मिट्टी में रहे और मिले अर्श हो गए, आत्मा का ऐसा तेज था उनकी उठान में, जिसके थे दोस्त धूल तपन आग और धुआं, थे दोस्त धूल तपन आग और धुआं, कैसा धुला धुला सा है, जी कैसा हाँ। है वो अंतिम नहान में जो मन से
सबका भलाई करते हैं, कभी जिन्होंने कोई दंध बंद नहीं किया, तो उनको अंतिम टाइम वो बड़े दुले दुले रहते हैं, उनको डर भी नहीं लगता मौत से। गीत सुना रही हूँ जी। गीत में दो बातें ध्यान रखिएगा, उम्र है जी, जी उम्र और लड़की या नारी है ना, फागुन से कोई संबंध नहीं, फगुनाई उम्र से संबंध है। जब हम दहेज के दानों की वजह से अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते, तो वही बेटियां जो हैं कैसी चिंता के मारे हमको शीशे में दर्पण में बाल दिखने लगता है, ये काश भगवान बेटी दी थी, धन भी बेटी दी थी तो धन भी देते, ये तो दानव लोग, दहेज दानव के लोग हमें खा ही जाएंगे। तो सुनो कीर्ति गा रही जी, मैं सुन रही हूँ बिल्कुल। फागुन के रंग में गुलाल हुई चुनरी, फागुन के रंग में गुलाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। फागुन के रंग में गुलाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। उसकी युवावस्था का चित्र देखें, कंकण ने नदिया में जो भरी लोर, मन के वृंदावन में नाच उठे मोर। कंकण ने नदिया में जो भरी लोर, मन के वृंदावन में नाच उठे मोर। तुम मन हुआ मछरिया और जाल हुई चुनरी, मन हुआ मछरिया और जाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। फागुन के रंग में गुलाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। बंद प्रस्तुत कर रही हूँ, खोले जो ओठ मधुर गान सी लगे, सरगम की अनुरागी तान सी लगे। जब बच्ची छोटी होती है, खोले जो ओठ मधुर गान सी लगे, सरगम की अनुरागी तान सी लगे, खिलते ही मुरझाई, हिलते ही मुरझाई डाल हुई चुनरी, हिलते ही मुरझाई डाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। फागुन के रंग में पुलकित अनुबंधों के बोल गुनगुने, साधों ने मन ही मन स्वप्न कुछ गुने, पुलकित अनुबंधों के बोल गुनगुने, साधों ने मन ही मन स्वप्न कुछ गुने। अन कहे जवाब का, अन कहे जवाब का सवाल हुई चुनरी, कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। फागुन के रंग में गुलाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। देखे डोली से चांदनी पकी, आंगन के पांव धरे अनुमन सजी, विवाह होता है थी डोली से चांदनी पगी, आंगन में पांव धरे अनुमन सजी, सपनों के महलों से चाल हुई चुनरी, सपनों के महलों से चाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। फागुन के रंग में गुलाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का बाल हुई चुनरी। निर्झर चल पड़ी उमंग में भरी, निर्जर सी
जल पड़ी उमंग मेघ भरी, आहन से टकराती जो मुझे पड़ी, निर्जरती जल पड़ी उमंग में भरी, आहन से टकराती जो बाढ़ गिरी नाव, बाढ़ गिरी नाव जीर्ण पाल सुंदरी, बाढ़ गिरी नाव जीर्ण पाल सुंदरी, जाने कब दर्पण का पानी के रंग में गुलाल हुई सुंदरी, कब दर्पण का वाली अंतिम देखे किलकारी भरते हैं कामना तुरंग, चंदन के आस पास आसुरी किलकारी भरते हैं कामना तुरंग, चंदन के आस पास आसुरी कविता संदेश लिए रवि का संदेश लिए ज्वाल हुई चुनरी, रवि का संदेश लिए ज्वाल हुई चुनरी, जाने कब दर्पण का पाल हुई चुनरी, फागुनी से रंग में गुलाल हुई चुनरी, कब दर्पण का पाल हुई चुनरी। अब इस कार्यक्रम का अंतिम गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ आज का, और बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रमिला भारती दीदी को कि वो साथ में उन्होंने आना स्वीकार किया, इतने अच्छे अच्छे गीत बहुत दिनों बाद तो उनको सुनने का अवसर मिला है। आप इसी तरह से लिखती रहें, सुनाती रहें, और राजी जी भी इसी तरह कार्यक्रम करती रहें। अब ममता और राजू से हमारी हिम्मत फोन ऐसे प्रोग्राम से जुड़ने और राजू, हाँ पहले आपने पहले मैंने आपसे एक बार निवेदन किया था, तब आपने यही कहा था कि मुझे आता था कि हमें नहीं आता, लेकिन अच्छा लगा आपने किया था तुमने, और अलका सिन्हा ने तुमने कहा कि हमें हिंदी चाहिए दुनिया, फिर ममता ने राजू, लेकिन आ गई आपको टेक्निक, तो आप आराम से खूब कविताएं सुनाया कीजिए। कुछ ऐसे हादसे हुए पिछले दिनों, उन हादसों के कारण ही मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक गीत लिखा, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। और हम सभी लोग, सभी की मानसिकता इसी तरह से है, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। दयानिकेतन दया करो, हे परमेश्वर दया करो, दयानिकेतन दया करो, हे भगवन अब दया करो, आसमान के कितने तारे एक एक कर टूट रहे हैं, अपने और पराए सारे धीरे धीरे छूट रहे, श्रद्धांजलियां देते देते अंजलियां निष्प्राण हुई है, अमृत छल का ते अक्षय घट अकस्मात ही फूट रहे हैं, अकस्मात ही फूट रहे हैं, विश्वेश्वर हे सर्वेश्वर, हे विश्वेश्वर हे सर्वेश्वर, सकल विश्व की पीर हरो, दयानिकेतन दया करो, हे परमेश्वर दया करो, हे करुणा निधान अब रोको महाकाल के अट्टहास को, हे परमेश्वर रोको अब तो महाप्रलय के महानाश को, मुरली मधुर बजाओ काना
महासमर का बाना त्यागो, हे जगदीश्वर दूर करो अब इस जगती के कठिन त्रास को, इस जगती के कठिन त्रास को, निराशा के दामन में भूल निराशा की गागर में आशाओं का नीर भरो, दया निकेतन दया करो हे परमेश्वर दया करो, प्राण वायु का संकट भारी सांस सांस अटकी अटकी है, हर मानव की गर्दन पर अब साक्षात मृत्यु लटकी है, माना मैं ओ दंड बहुत हूँ मैंने की है हुक्म उदूली, तेरी एक चपत से थोथे दंभ भरी मटकी की चटकी है, दंभ भरी मटकी चटकी है, शरणागत हूँ नाथ तुम्हारे, शरणागत हूँ नाथ तुम्हारे, अब तो सिर पर हाथ धरो दया निकेतन दया करो हे परमेश्वर दया करो, और यदा यदा ही धर्म से को याद करो हे दयालु भगवन, अभ्युत्थानम धर्मस्य को याद करो हे दयालु भगवन, हे प्रभु हे परमेश्वर अब तो दिखलाओ अपनी प्रभुताई, ध्रुव प्रहलाद अजामिल गणिका याद करो हे दयालु भगवन, याद करो हे दयालु भगवन, हे प्रण पालक हे विश्वंभर, हे प्रण पालक हे विश्वंभर, अपने प्रण से नहीं करो दया निकेतन दया करो हे परमेश्वर दया करो, विश्वंभर दया करो हे भगवन अब दया करो, दया निकेतन दया करो। बस ईश्वर का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, जो भी हो हमने बहुत बहुत उपद्रव किए हैं, बहुत उद्दंडता से हम लोगों ने जीवन यापन किया है पूरे मानव समाज ने, लेकिन प्रभु अब तो दया करो दया करो दया, अब दया वो ऐसे करेंगे कि जब दिए गए लोग और क्या कहते हैं मास्क लगाए मान लो हम दया कर देंगे, बोला शुरू हो गई है। प्रमिला जी अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो एक आप आज की अंतिम प्रश्न आप पढ़ दे, और फिर क्योंकि 6 बज चुके हैं और आप शायद आप सभी को जाना होगा, देर हो रही होगी, तो प्रमिला जी से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत पढ़ दे। गीत सुनो जी। स्वागत Thank you.
वचन आज कहीं ये जो लोग चोरी कर रहे हैं किसी वक्त ऐसी बात जब बोल देगी तो बिल्कुल अजय सर रह जाएंगे कि रहे जो आज नहीं रहे जो आज कहीं बात हुई कुछ ऐसी मुख से बोल नहीं पूछे जिन संतानों के जीवन उन्होंने बुढ़ापे में मरण को हम मर को उठी में भर गए आए जब संयोग मर को उठी में भर गए आए जब अश्व चला तो देख न पाया कुछ ले किसने तो मंजिल के भी आगे मंजिल पाने की थी चाह का नगरिया गया थारा इतने दूसरे हैं अभी मर के बूटे बूट नहीं चंदनहार सके जो नाले आज कहीं बात हुई कुछ दे दिल नहीं टूटे ना तुम्हें है बंद तुम्हें किसका लेना किसका देना दिल सहल किसका लेना किसका देना दिल सहल तो बैठ अकेले वो कहे हैं अब पीछे बैठ अकेले वो कहे हैं अब पीछे तो कितनी आहे कितनी चाहे इच्छा करती है है कितनी चाहे तेरा करती है देखा कि बनती दीवार तेरा करती है व्यंजन कंचन पाए पर नहीं तो व्यंजन कंचन देख पाए खपरिए टूटे बोल नहीं मृग तृष्णा की प्यास प्यास में आज शिकारी मार गया है हिरना मन को
आज शिकारी मार गया है गिरना मुंगी तो अपने पंछी खिड़की से दानापन जाके अपने पन की खिड़की से बे गानापन जाके भरे फूस में फूल फूल जाए जगती के ताके तो कोई निर्धन की गठरी जो कोई निर्धन की गठरी जो सांझ धले आज कहीं छूटे बात हुई कुछ ऐसे मुख से बोले छूटे कोई निर्धन की गठरी जो सांझ ढले कोई निर्धन की गठरी जो सांझ ढले तो कितने जूते लगते हैं अब सिमर के जूते बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमिला जी बहुत सुंदर गीत बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कीर्ति काले जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाला और मेरा अनुरोध माना मुझे बहुत अच्छा लगा और आज का दिन बहुत खास दिनों में शुमार होगा हमेशा के लिए और आज की ये शाम बहुत खास बन गई आपके आने से हमारे साथ हरि प्रकाश जी जुड़े और तरुण प्रकाश जी जुड़े आपका बहुत बहुत स्वागत आरती श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अब आज की इस शाम को यहीं पर विराम दे रहे हैं एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत आभार समय निकालने के लिए और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाने के लिए धन्यवाद नमस्कार सारे श्रोताओं को